The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें, राज धर्म। ये शब्द काफी सार्थक है। As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं, ये टकराव होगा, जरूर होगा। हम स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? लट तलवार एवं अनेकों प्रकार की विद्या आपको सीखना है, क्यों सीखना है हमें? क्यों सीखना है लट चलाना, हमें तलवार चलाना क्यों सीखना है? हमारी देश की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भैया। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। शटर तोड़ दिया, घुस गए अंदर, आगजनी कर रहे हैं, ये देखो। मीडिया मत बनाओ भी हम लोगों का। उन्हें चोट लगी है वो घर में। ईट मारा मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को कौन पालेगा? बोला तो कोई नहीं। मैंने थोड़ा सा बदला दिया कि मुसलमान हूँ। अच्छा जाना है मेरा, बस इतना कहने से दोनों को मारना चाहिए। गुस्सा है आपके लिए, मैं पप्पू हूँ आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। निर्मला जी, यस प्लीज प्लीज। फिर भी जिनको यहाँ पहुँचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। कैसे आँख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल।
दरअसल मैं एक चैनल का कार्यक्रम देख रहा था, रफाल आने वाला था। थोड़ा और इंतजार और रफाल विमान लैंड करेगा। भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं। बाद रफाल भारतीय सरजमी पर लैंड करेगा। पूरे देश की निगाहें इस ओर हैं कि कब ये घातक विमान भारत में प्रवेश करेगा। इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला। ब्रेकिंग न्यूज, हिंदुस्तान की जमीन पर रफेल की लैंडिंग। जैसे मैं खुद इस वक्त भर रहा हूँ। सांप सूंघ गया पाकिस्तान, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। तूफान आया है, बलवान आया है, जिसका निशाना अचूक है, जिस पर भरोसा टूट है। आसमान का बाहुबली आज हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरा। वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कह और कहो किसने घर जलाया है। हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया है। अरे भैया जयचंदो, जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है।